नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में बाढ़डा से जेजेपी विधायक एवं वरिष्ठ नेत्री जेजेपी नेत्री नैना चौटाला ने हरियाणा में भर्ती घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि भर्ती घोटाले का मुद्दा विपक्ष विधानसभा में उठाएगा तो सरकार इसका जवाब देगी। अगर घोटाले हुए हैं तो विपक्ष विधानसभा स्तर में ये मुद्दा उठाए जिसके बाद सरकार उसका जवाब देगी। नैना चौटाला ने कहा कि लखमीरपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ वह गलत है और आज वे लोग सलाखों के पीछे हैं। मंत्री नैनी द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में उन्होंने कहा कि मैंने भी वो वीडियो देखी है। पत्रकार कुछ ज़्यादा ही सवाल उनसे पूछ रहे थे लेकिन उन मंत्री ने ऐसा किया तो वो गलत किया। सरकार द्वारा लड़की की न्यूनतम आयु लड़कों के समान 21 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी दिए जाने पर चौटाला ने कहा कि इसके बारे में मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। तो सरकार पर सवाल बड़ा उठ रहा है तो जवाब मांगेंगे वो विधानसभा में, विपक्ष मांगेगा तो सरकार देने का काम करेगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाले जो हुए हैं वो युवाओं की देखो उम्मीदों पर कहीं वो ये नहीं, विधानसभा में अगर कोई पूछेगा तो जवाब देंगे ना, सरकार में बैठे हम लोग दे देंगे जो मंत्री है। विपक्ष तो अगर हुआ है घोटाला तो कोई ना कोई अगर मांगेंगे जवाब तो जवाब मिल जाएगा। एक जो कानून बनाया अभी लड़कियों के लिए आयु 21 साल कर दी गई 18 साल से बढ़ाकर, क्या मानना है? नॉलेज में ऐसा कोई 18 साल से 21 साल की उम्र का कैबिनेट ने फैसला लिया, लोकसभा में राज्यसभा अभी हाँ जो ये अभी आए सामने, क्या मानना है इसको लेकर? मैंने मतलब अभी मैंने पढ़ा नहीं है कोई मेरी नॉलेज की घटना को कैसे देखते हैं कि किसानों को जो रौंदा गया तो उसके बाद अब जैसे सोसाइटी की रिपोर्ट आई कि वो साजिश के साथ किया गया, तो आपको लगता है कि अगर किसान को अगर इस लेवल पर आवाज़ नहीं उठती तो उनको मतलब अत्याचार उन पर किया? अगर उन्होंने दोष किया है तो देखो वैसे भी वो सलाखों के पीछे है, अगर ये हकीकत में किया तो वो सलाखों के पीछे और सलाखों के पीछे ही रहेगा। कल मंत्री ने जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है उसके ऊपर क्या कहना? इसकी वीडियो वायरल भी हुई है, मेरे खुद ने भी देखा था टीवी में, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जो शायद जो उन्होंने किया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों तरफ ही मतलब मीडिया भी शायद उनसे कुछ ज्यादा ही उससे वो बात कर रही थी और उन्होंने जो रिएक्ट किया वो नहीं करना चाहिए था उनको। मैम 1 लाख का इनामी बदमाश जो पकड़ा, सॉरी बदमाश नहीं, वो जो आरोपी पकड़ा गया है एसटी की तरफ से हरियाणा में भर्ती घोटाले में, तो लगता नहीं कि आपको इस तरीके के लोगों से नेताओं को दूरी बनाकर रखने की, क्योंकि उनकी फोटोज जो है वो काफी नेताओं से प्रभावित होते हैं कहीं? हुआ देखो किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये बदमाश है, अब हम इतने लोग खड़े हैं यहाँ, अगर कल को कोई निकलता है तो किसी के लिखा हुआ थोड़ा ना भी ये बदमाश है इससे दूरी बनाए रखो, जब वो पकड़ा जाता है तब हम सोचते हैं भी ये गलत आदमी था, तो इस चीज़ का पहले कभी नहीं पता चलता भी ये बदमाश है ये साधु है, तो जब गलतियाँ करता और पकड़ा जाता है तभी पता चलता है। पैसे लगे हुए हैं सारे, अगर वो गलत है तो वैसे पकड़ा जाएगा।